आदरणीय बंधुओं, माताओं वे मेरी प्यारी बहनों, राधे राधे। आपका हमारी YouTube चैनल पर बहुत बहुत स्वागत है। बंधुओं, आज हम इस वीडियो में भगवान भोलेनाथ की कथा सुनेंगे, जिसे प्रतिदिन लगातार 7 बार सुनने सुनाने से मनुष्य के पापों का नाश होता है, लक्ष्मी जी का स्थायी निवास होता है, मान सम्मान की प्राप्ति होती है। कथा सुनने के बाद यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो कृपया हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें ताकि हमारी वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंचे। वीडियो को शेयर व लाइक भी जरूर करें। कथा के अनुसार एक गांव में एक वृद्ध साधु छोटी सी झोपड़ी बनाकर उसमें निवास करता था। वह गांव में से भिक्षा मांगकर अपना गुजारा करता था। साधु भगवान भोलेनाथ का भक्त था। वह प्रतिदिन गांव के बाहर स्थित शिवालय में जाता, भगवान शिव की पूजा करता और भगवान भोलेनाथ के आगे दीपक जलाता। साधु का यह नित्य कर्म वहीं पास रहने वाला एक अन्य गांव का व्यक्ति देखता। वह व्यक्ति भगवान को नहीं मानता था, क्योंकि वह एक गरीब व्यक्ति था। वह अपना व अपने परिवार का गुजारा बड़ी मुश्किल से कर पाता था और अपनी मुश्किलों के लिए वह भगवान को दोष देता था। इसलिए जब साधु भगवान भोलेनाथ के आगे दिया जलाता तो वह उसे रोकता, और जब साधु नहीं मानता तो वह नास्तिक व्यक्ति फूंक मारकर दिया बुझा देता। साधु को उसके इस कार्य पर अत्यधिक क्रोध आता, लेकिन वह कुछ नहीं कर पाता था। अब उन दोनों का यह नियम बन चुका था कि साधु शिवालय में दिया जलाता और वह नास्तिक फूंक मारकर बुझा देता। एक दिन साधु ने उसे प्यार से समझाया कि देख भले मानस, भगवान के आगे लगा दिया बुझाने से भगवान भोलेनाथ नाराज हो जाएंगे। तू ऐसा कार्य करता है, वह सब देख रहे हैं। साधु की बात सुनकर नास्तिक बोला, अगर तेरे भोलेनाथ देख रहे हैं और उन्हें ये बात बुरी लग रही है तो वे मुझे आकर रोक दें, मैं रुक जाऊंगा। साधु कहता, तू तो बहुत बड़ा नास्तिक है। और ऐसा कहते हुए वह साधु वहां से निकल जाता। उन दोनों का यह सिलसिला दिनों, महीनों और सालों तक चलता रहा। साधु भगवान शिव के आगे दिया लगाता और वो नास्तिक बुझा देता। ऐसा होते होते एक दिन रात से ही वर्षा शुरू हो गई। साधु सुबह उठा और शिवालय की ओर निकलने लगा, लेकिन उसने देखा बाहर बहुत तेज बारिश हो रही है। साधु ने सोचा, चलो कुछ देर बाद चला जाऊंगा। काफी समय बीत गया, लेकिन वर्षा रुकने का नाम ही नहीं ले रही थी। साधु ने बहुत समय तक बारिश रुकने का और मौसम साफ होने का इंतजार किया, लेकिन वर्षा कम होने की बजाय बढ़ती जा रही थी। जब साधु ने देखा कि आज बारिश नहीं रुकेगी तो वह सोचने लगा कि यदि इतनी वर्षा तूफान में मैं भीगता हुआ, परेशान होता हुआ मंदिर चला भी गया और भोलेनाथ के आगे दिया जला भी दिया तो भी वह शैतान नास्तिक आकर दिया बुझा देगा, रोज ही बुझा देता है। इसलिए आज इस बारिश तूफान में मैं नहीं जाता हूँ, कल भोलेनाथ से क्षमा मांग लूँगा। और वैसे भी कौन सा आज ही भोलेनाथ दर्शन दे देंगे। ऐसा सोचकर साधु ने मंदिर न जाने का निर्णय लिया
और वहीं झोपड़ी में अपनी चारपाई पर दुबका पड़ा रहा और उधर नास्तिक अपने तय समय के अनुसार मंदिर पहुंच गया, क्योंकि वह जानता था साधु आएगा, दिया जलाएगा और वह बुझा देगा। लेकिन उसने देखा कि साधु आज नहीं आया। उसने घंटों इंतजार किया लेकिन साधु नहीं आया। नास्तिक व्यक्ति को बड़ा क्रोध आ रहा था और उसने क्रोधित होते हुए यह निर्णय लिया कि चाहे कुछ हो जाए वह दिया बुझा कर ही रहेगा, चाहे फिर इसके लिए उसे स्वयं ही भोलेनाथ के आगे दिया जलाना पड़े। यह सोचकर उस नास्तिक व्यक्ति ने वहां रखा दिया उठाया, उसमें बाती लगाई और घी भरा और उसे जला दिया। और जैसे ही दिया जलाकर उसे बुझाने लगा तभी भोलेनाथ वहां प्रकट हो गए। अपने समक्ष भगवान को देखकर नास्तिक व्यक्ति के होश उड़ गए। वह भगवान के चरणों में गिर पड़ा और बोला, प्रभु मुझ नास्तिक पर ये कृपा क्यों? तब भोलेनाथ ने कहा, हे पुत्र, उस साधु से भी अधिक श्रद्धा और विश्वास तुम्हारे अंदर है। आज वह साधु देव यह सोचकर दिया जलाने नहीं आए कि कौन सा मैं आज ही आकर दर्शन दूंगा, लेकिन इतनी बारिश और तूफान में भीग कर भी तुम यहाँ दिया बुझाने आए। भगवान भोलेनाथ ने कहा, मुझे आज ही आना था सो मैं आ गया। जो आया उसने पाया और जो नहीं आया वह रह गया। और भगवान उस नास्तिक व्यक्ति को आशीर्वाद दे अंतर ध्यान हो गए। भोलेनाथ की कृपा से उस नास्तिक व्यक्ति के घर अन्न धन के भंडार भर गए। सुख समृद्धि व ऐश्वर्य से उसका घर भरपूर हो गया। हे भोलेनाथ, जैसी कृपा आपने उस नास्तिक व्यक्ति पर की वैसी सब पर करना। इस कथा कहानी सुनने वाले सुनाने वाले सब पर अपनी कृपा बरसाना। सबके घर अन्न धन सुख व ऐश्वर्य से भरपूर करना। इन्हीं शुभकामनाओं के साथ आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। राधे राधे।